हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जितना भी लेबोरेटरी है, चाहे वो NAL हो जाए, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, ACRC, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, CCMB, IMMT, NEIST, CIMFR, CDRI, ICCT का जितना भी आपका CSIR का लेबोरेटरी है, उसका जो ग्रुप टू टेक्नीशियन वन का जो सिलेबस है, उसके ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। CSIR के सिलेबस कैसा होता है, कैसे उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फुल डिटेल्स आप लोगों के बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। मेरा CSIR को लेकर बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक प्रेजेंट एम्प्लॉई हूँ CSIR का, तो इसीलिए मेरे पास फुल एक्सपीरियंस है कि कैसे CSIR में एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है, CSIR का सिलेबस कैसे प्रकार का होता है। तो देखिए, CSIR का जितना भी लेबोरेटरी है पूरे इंडिया में, और जितना भी पोस्ट का वैकेंसी निकला था टेक्नीशियन का ग्रुप टू का, तो उसमें चाहे फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, वेल्डर हो, कारपेंटर, कहीं भी ट्रेड से अगर आप अप्लाई करते हो, तो CSIR में क्या होता है, फर्स्ट आपका 10th के नंबर के अनुसार वो लोग एक शॉर्ट लिस्ट करता है। तो अगर आपका 10th में 55% नंबर है, तो वो लोग शॉर्ट लिस्ट करता है। अगर आपका 10th में 55% नंबर नहीं है, तो पहले आपको जो है छाट देता है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करने के बाद क्या होता है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको टेट टेस्ट में बुलाया जाता है। तो टेट टेस्ट में बुलाने के बाद टेट टेस्ट होता है, क्योंकि CSIR का रूल्स थोड़ा उल्टा है। पहले टेट टेस्ट होता है, उसके बाद जो है रिटन टेस्ट होता है। तो पहले आपका जो है CSIR में टेट टेस्ट होगा, चाहे वो आप फिटर हो, प्लानर हो, मशीनिस्ट हो, तो आपका मशीन रिलेटेड, फाइलिंग रिलेटेड, प्लम्बर, कारपेंटर, वुडन वर्क रिलेटेड जो है आपका टेट टेस्ट होगा। ड्राइंग देगा, ड्राइंग के हिसाब से जैसे हर जगह एग्ज़ाम होता है, टेट टेस्ट होता है, वैसे आपका टेट टेस्ट होगा। तो अगर आप टेट टेस्ट में क्वालिफाई करते हो, फिर आपका एक शॉर्ट लिस्ट करेगा। तो जो जो कैंडिडेट टेट टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, टेट टेस्ट हर जगह में इंडिया की जितना भी रिक्रूटमेंट होता है, सब रिक्रूटमेंट में टेट टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है टेट टेस्ट में। तो टेट टेस्ट में जितना भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद जो है रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट में क्या सिलेबस रहता है, बहुत सारा कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि CSIR का सिलेबस कैसा होता है, क्योंकि CSIR का एग्ज़ाम पेपर आज तक नहीं देखे। क्यों नहीं देखे, क्योंकि CSIR का एग्ज़ाम पेपर जो है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम का सिलेबस जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन CSIR का एग्ज़ाम पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो देख सकते हैं, आज हम लोग के पास ये जो एक सिलेबस का PDF है, ये है CSIR ग्रुप टू टेक्नीशियन वन का सिलेबस है, ठीक है। तो आप अगर CSIR में फॉर्म भरे हो कहीं भी लेबोरेटरी में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं, यहाँ पे रिटन टेस्ट का सिलेबस है, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में लिखा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल पोस्ट इन CSIR, ठीक है। ये जो है डेट 2018 में ये पब्लिश हुआ था, ये जो सिलेबस बना था 2018 में, उसके बाद जो ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ, उसी सिलेबस में चलते आ रहा है, और उसी सिलेबस में जो है मैं क्वालिफाई किया हूँ। तो अभी मैं नौकरी भी कर रहा हूँ बहुत दिन पहले से, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे, पहले देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम जो है आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होता है। OMR बेस्ड जो है पहले होता था, अभी सब जगह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उसके बाद देख सकते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीडियम क्या रहता है, क्वेश्चन का मीडियम जो रहता है, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, और एक्सेप्ट यहाँ पे जो लिखा है एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब एक आपका कोई पेपर रहेगा, उस पे वो पेपर जो है आपका इंग्लिश पेपर रहेगा, ठीक है।
तो इंग्लिश पेपर मतलब जैसे आपका हिंदी पेपर रहता है वैसे ही आपका इंग्लिश पेपर रहता है, ठीक है। इंग्लिश पेपर में जो है आपका इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम, स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो है SSC प्लस ITI और 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन आपका होता है कौन सी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा, 10th प्लस ITI का क्वेश्चन होगा या फिर 12th का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 रहता है। CSR के कहीं भी लेबोरेटरी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहता है। उसके बाद देख सकते हैं आप टाइम, टोटल टाइम एलोटेड, टोटल टोटल टाइम जो रहता है आपका 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट टाइम रहता है और 150 क्वेश्चन रहता है। तो कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है और कितना रहता है एक एक क्वेश्चन का मार्क, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पेपर वन जो है टाइम एलोटेड 1 आवर। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिए, CSR में ज़्यादातर लोग गलती करता है, तीनों पेपर एक साथ ही आपका होगा, ठीक है। और जो है अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो पेपर वन के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली पेपर 2 चालू हो जाएगा 1 घंटे के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेपर 2 में देख सकते हैं 30 मिनट है, पेपर 2 जब आपका 30 मिनट टाइम कंप्लीट, पेपर 2 आपका ऑटोमेटिकली स्क्रीन में आ जाएगा, फिर आपको 30 मिनट दिया जाएगा, 30 मिनट तक ही आपका जो है पेपर 2 का क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा, फिर जो है ऑटोमेटिकली 30 मिनट बाद पेपर 3 आ जाएगा, ठीक है। पेपर 3 के लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा फिर लास्ट में। तो देख देख लेते हैं पेपर 1 में क्या रहेगा। तो पेपर 1 में देख सकते हैं, पेपर 1 में रहेगा आपका सब्जेक्ट में देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 100, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स करके रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन का 100 मार्क रहेगा। नेगेटिव मार्किंग, तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। तो इस पेपर में जो है आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, पेपर 1 में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस में क्या क्या रहेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइस सो एज टू इंक्लूडेड जनरल इंटेलिजेंस GI, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट। तो मेंटल एबिलिटी में आपका मैथ, रीजनिंग ये सब रहता है जनरली, ठीक है। तो इसमें आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा कंप्लीट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो है आपका वो ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन से हाइड हो जाएगा पेपर 1, फिर पेपर 2 चालू हो जाएगा। तो बहुत सारा कैंडिडेट सोचता है कि 2.5 घंटा टाइम है तो चलिए धीरे 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 बनाते हैं, ठीक है। तो बनाते बनाते देखा गया कि आप 50 क्वेश्चन में से 10-15 को क्वेश्चन बनाए और 1 घंटा जो है आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो है पेपर 2, पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में है आपका जो टाइम है 30 मिनट्स टाइम है, और सब्जेक्ट जो रहेगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। तो जनरल अवेयरनेस में आपका क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 75, 3 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहेगा। तो 25 क्वेश्चन का 3 करके 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। तो उसमें मतलब सब्जेक्ट का नंबर है 75 मार्क। उसमें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग देखिए 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन का मार्क है 3, अगर एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हो तो 1 नेगेटिव मार्किंग, मतलब एक क्वेश्चन का जो है आपका 3 मार्क तो काटा गया, उसके साथ जो है +1, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलती करोगे तो आपको 4 माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका सेम 25 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क का, 3 करके 1-1 क्वेश्चन का। तो उसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो एक अगर आंसर रॉन्ग करते हो तो आपको
नंबर काटा जाएगा, मतलब आपका एक क्वेश्चन का मार्क जो है 3 नंबर वो तो जाएगा, साथ में जो है आपका प्लस एक मार्क भी जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं पेपर थ्री जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर थ्री में 1 आवर टाइम दिया जाएगा। सब्जेक्ट जो रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आपका जिस ट्रेड का हो, जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, सिविल का हो गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 50। मैक्सिमम मार्क जो रहेगा आपका 150, इसका मतलब जो है एक क्वेश्चन का मार्क 3 करके रहेगा, 3 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का मार्क 50 × 3 = 150 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे भी है, 1 negative mark फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो उस क्वेश्चन का मार्क भी काटा जाएगा, साथ में एक नंबर भी काटा जाएगा। तो कंसर्न सब्जेक्ट जो है 50 क्वेश्चन के लिए, मतलब ट्रेड रिलेटेड, ITI रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा NCVT सिलेबस के अनुसार, तो उसमें जो है 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 आवर दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। जो लोग टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है वो लोग के लिए 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा है 50 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैथ रीजनिंग का जो है 50 क्वेश्चन जो है आपका 1 घंटा, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो है इसी में आपको बनाने में टाइम लगेगा। उसके बाद जो है पेपर 2 में देख सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको याद है, इसमें तो आपको कुछ बनाना नहीं है, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना है, तो जो आपको याद है उसी आप वही आप आंसर दोगे, तो इसमें भी टाइम ठीक है 30 मिनट्स, लेकिन ट्रेड में आपका टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है। अगर ट्रेड में अगर आप वीक हो या फिर ट्रेड में अगर आपका क्वेश्चन पेपर में सॉल्विंग टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें जो है आपका 1 आवर ठीक ठाक है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये CSIR का रूल्स है। और मेरिट लिस्ट कैसा बनता है, तो देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है आपका, फाइनल मेरिट शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको टेट टेस्ट होगा, टेट टेस्ट के बाद आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट का जो मार्क है, रिटर्न टेस्ट के मार्क के अनुसार आपका जो है फाइनल मेरिट बनेगा। तो रिटर्न टेस्ट में कैसे 3 पार्ट है, ठीक है, मतलब 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो कौन सा पेपर के नंबर को देखकर वो फाइनल मेरिट बनेगा, तो आप लोगों को मन में ये सवाल आता है, तो देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों पेपर मिलके आपका जितना नंबर हो रहा है, मान लीजिए पेपर 1 में आपको 50 में से जितना भी आया इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 में आपको नेगेटिव मार्किंग करने के बाद जितना आया, उसके बाद पेपर 3 में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग करने के बाद जितना आया, तो तीनों पेपर मिला के टोटल करेगा, ठीक है, तो टोटल में जिसका ज़्यादा होगा उसी को जो है क्वालिफाई होगा। CSIR में ऐसा भी होता है कि CSIR में अगर आप तीनों पेपर में भी बहुत ही ख़राब, जैसे कैंडिडेट जो है मान लीजिए एक ही सीट है, तो एक सीट में जितना भी कैंडिडेट आया है तो वो सब कैंडिडेट जो है क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं उठा पाया, मतलब बहुत ही कम नंबर लाया। CSIR का एक क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, जो मार्क्स ये लोग शो नहीं करता है, तो उस क्वालिफाइंग मार्क्स के अगर नीचे कोई नंबर लाता है तो कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होगा, सीट जो है खाली रह जाएगा। तो एक मिनिमम सिक्योरिंग मार्क्स रहता है, उस मिनिमम मार्क्स आपको लाना ही है, ठीक है, उसके बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा रिटर्न टेस्ट के नंबर के अनुसार। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और CSIR में कैसे क्वालिफाई करना है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट या फिर आपका जो है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंसर्न सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, मैं कैसे क्वालिफाई किया हूँ, कौन कौन सा टॉपिक आपको फॉलो करना है, तो टोटल डिटेल्स आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को जुड़े रहिए, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि CSIR में बहुत सारा लेबोरेटरी में अभी वैकेंसी आया है, तो बहुत ही अभी अच्छा मौका है। लेकिन CSIR के सिलेबस अगर आप देखोगे तो CSIR का सिलेबस जो है आपका दूसरा जो एग्ज़ाम है ITI रिलेटेड, चाहे वो ISRO हो जाए, DRDO हो जाए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो जाए, तो सब जो है
एग्ज़ाम से थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें जनरल को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो जैसे बार्क में भी इससे भी ज़्यादा टफ है क्योंकि उसमें पहले आपका जनरल होता है, फिर टेक्निकल होता है, फिर टेस्ट होता है। लेकिन इसमें भी आपका अच्छा आपका सिलेबस है, टफ सिलेबस है क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट ज़्यादातर टेक्निकल को फॉलो करता है। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि आप लोग टेक्निकल के साथ साथ जनरल को भी फॉलो कीजिए। जो लोग टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है CSIR का, तो CSIR का और भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो, CSIR के प्रमोशन पॉलिसी, स्टार्टिंग सैलरी और क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या नहीं है, तो डिटेल्स जानने के लिए आप लोग कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।